बीना के रामवाड़ में एक मकान में रखी 65 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 2,82,000 थी। 5 आरोपी गिरफ्तार। बीना पुलिस की कार्रवाई। एक मकान में रखी देसी अवैध शराब बीना पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान जब्त की थी। मुखबिर की सूचना पर बीना पुलिस ने रामवाड़ में छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें 65 पेटी देसी शराब जब्त की गई। जब्त की गई शराब की कीमत ₹2,82,000 है। अवैध शराब के आरोप में बीना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बीना पुलिस ने टीम बनवाकर कार्रवाई की थी। बीना पुलिस ने अवैध शराब के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया है। थाना प्रभारी कमल सिंह के सुनील शर्मा और श्याम बिहारी शर्मा जो संयुक्त इनका मकान है, इसमें बड़ी मात्रा में शराब है, जिसकी सूचना पर पहले चीता को रवाना किया कि ताकि वो लोग सुरक्षित पहले उसको सुरक्षित कर लें, कोई भाग ना पाए। और पहले फिर अपन ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया, सर्च वारंट पर चार पार्टी बनाकर घेराबंदी करके घर में दबिश दी तो 65 पेटी देसी लाल मदरा की शराब की पेटी मिली, जो 585 लीटर और 2,82,000 कीमत है। 5 लोगों को स्पॉट पर मिले, जिनको मुजरिम बनाया गया। और उनका कहना है कि हम 3 लोग श्याम बिहारी और सुनील शर्मा के मकान को किराए से लिए थे। प्रिंस खनुजा के कहने पे हम ये कार्य करते थे बेचने का। तो अभी प्रिंस खनुजा फरार है, उसके मिलने पे और भी परतें खुलेंगी और कौन कौन इन्वॉल्व है। अभी ये तो कई दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त ही पड़ गया था और आज लॉकडाउन था, इस वजह से ये लोग खपा नहीं पाए और सूचना मिलने पर सही ढंग से सही कार्रवाई हो पाई।